नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं 2022 में आई हुई घोस्ट राइडर सीरीज का एपिसोड 7। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हेल बैकबोन रेस में हिस्सा लेने के बाद जॉनी ब्लेस और वुल्वरीन को पता चलता है कि वो रेस सिर्फ एक छलावा था। लेकिन तभी जॉनी के सर में दर्द होने लगता है, इसलिए वुल्वरीन जॉनी को एक बार मिलाता है और जॉनी के सर से वो मॉन्स्टर निकाल लेता है और फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो मॉन्स्टर अब भी जिंदा है। तो वही जेब और एजेंट वॉरलॉर्ड समझ जाते हैं कि घोस्ट राइडर को फंसाया जा रहा है और तय करते हैं कि वे लोग घोस्ट राइडर की मदद करेंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम वही पार देखते हैं जहां पर वुल्वरीन ने जॉनी के सर से वो मॉन्स्टर बाहर निकाल दिया था। वो पार अब पूरी तरह जल चुका है और वहां हमें एक आदमी मरा हुआ दिखाई देता है जिसका सर फट चुका था और उसमें से वो मॉन्स्टर बाहर आता है। तभी हमें जॉनी ब्लेस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि वुल्वरीन ने मेरे सर से कुछ निकाल फेंका है और मैं नहीं जानता हूँ कि वो क्या है। हो सकता है कि वो जासूस हो या फिर इनहैबिटर हो या फिर एक पैरासाइट हो। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने ह्यूमन का फॉर्म लिया है। तभी वो मॉन्स्टर अपना शरीर देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम जॉनी प्लेस को देखते हैं जो कॉफी पी रहा था। तभी वो वेट्रेस जॉनी से पूछती है कि और कॉफी चाहिए, जिस पर जॉनी मना करता है। तभी जॉनी वो कॉफी पीने लगता है और तब जॉनी देखता है कि उस कॉफी में उसे घोस्ट राइडर दिखाई दे रहा था। तभी जॉनी कहता है कि कॉफी हमें जगाए रखती है और फाइनली मैं जाग गया हूँ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद मैं ये क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा आगे का मूव क्या होगा। लेकिन तभी एक वेट्रेस जॉनी के पास आती है और जॉनी से पूछती है कि क्या तुम्हें कॉफी चाहिए। ये कहते ही जॉनी देखता है कि उसके सामने एजेंट वॉरलॉर्ड वेट्रेस बनके खड़ी थी, लेकिन जॉनी उसे जानता ही नहीं है। तभी जॉनी एजेंट वॉरलॉर्ड से कहता है कि मैं चाहता हूँ लेकिन अब मुझे देर हो रही है। ये कहते ही जॉनी वो कप तोड़ देता है और वहां से चला जाता है और एजेंट वॉरलॉर्ड उसे देखने लगती है। और तब हमें पता चलता है कि एजेंट वॉरलॉर्ड जॉनी के सामने अपने असली रूप में नहीं थी, इसलिए जॉनी उसे पहचान नहीं पाया। यहाँ वो बार अभी तक चल रहा था कि तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर अपनी कार लेकर आता है और अपनी टीम से कहता है कि कल रात यहाँ इस बार में आग लगी थी लेकिन आग अभी तक चालू है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस आग में से वो मॉन्स्टर बाहर आता है और ये बात उस ऑफिसर को पता नहीं थी। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस ऑफिसर के सामने आ जाता है जिसे देखकर उस ऑफिसर की जान हालत में आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो ऑफिसर कुछ कर पाए, वो मॉन्स्टर उस ऑफिसर का सर पकड़ लेता है और उस पर एक काला सा स्मोक फेंक देता है जिसके कारण वो ऑफिसर का दम घुटने लगता है और उसकी मौत वही हो जाती है। लेकिन तभी उस ऑफिसर का शरीर पिघलने लगता है और फिर पूरी तरह पिघल जाता है और उसमें से भी एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। तभी वो मॉन्स्टर अपने बनाए हुए नए मॉन्स्टर से कहता है कि मैं हूँ जॉनी, पर मैं जॉनी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जॉनी के परचाई की परचाई हूँ जिसका काम है अंधकार फैलाना। यह कहते ही वो मॉन्स्टर पुलिस की कार लेकर चला जाता है। यह एक मोटल में आकर जॉनी को कुछ होने लगता है और वो अगले ही पल बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है और तब हम देखते हैं कि अंदर एजेंट वॉरलॉर्ड आ चुकी थी जो देखती है कि जॉनी बेहोश पड़ा हुआ था। तभी एजेंट वॉरलॉर्ड जॉनी से कहती है कि मैंने ही तुम्हारे कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाई थी ताकि तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। ये कहते ही एजेंट वॉरलॉर्ड हैंडकफ्स निकालती है और वो जॉनी को बेड से अटका के रखती है। तभी एजेंट वॉरलॉर्ड जॉनी से कहती है कि इसे एक प्रकार का इंट्रोगेशन समझो या फिर ऑडिशन समझ लो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हो रहा है। ये कहते ही एजेंट वॉरलॉर्ड अपनी पावर से जॉनी के सीने में देखती है। तभी एजेंट वॉरलॉर्ड कहती है कि मुझे अब तक जॉनी के साथ क्या हुआ है, ये सब कुछ दिखा दो। ये कहते ही एजेंट वॉरलॉर्ड देखती है कि घोस्ट राइडर की फाइट वुल्वरीन से हुई थी, फिर जॉनी ने रेसिंग में हिस्सा लिया और सर्कस में जाके मॉन्स्टर को मारा था। तभी हम जॉनी को देखते हैं जिसकी आंखों से आग निकलने लगती है और तब आगे एजेंट वॉरलॉर्ड देखती है कि घोस्ट राइडर ने एक ट्रक को अपना वाहन बना लिया था और फिर कुछ मॉन्स्टर को मारने निकला था। तभी एजेंट वॉरलॉर्ड देखती है कि एक समय था जब घोस्ट राइडर
किंग ऑफ हेल था। और तब ये देखकर एजल वॉरर्ड कहती है कि तुम अब पहले जैसे नहीं हो जॉनी, लेकिन कभी तुम किंग ऑफ हेल थे और तुम हर एक किंग से प्यार करते थे और नफरत भी। लेकिन तभी एजल वॉरर्ड देखती है कि उसके सामने ब्लैक कार्ड खड़ा था। तब ये देखकर एजल वॉरर्ड घोस्टाडे से कहती है कि सिर्फ एक शख्स है जो हेल में तुमसे नफरत करता है और वो है ब्लैक हार्ट, और उसे लगता है कि वो ही हेल की किंग बनने के लायक है। तभी आगे एजल वॉरर्ड जॉनी से कहती है कि ये सब तुम्हें नहीं चाहिए था, तुम्हें जो चाहिए था वो तो कब का जा चुका है, लेकिन ब्लैक हार्ट तुमसे हमेशा लड़ता रहता था और हारता रहता था, लेकिन वो हमेशा से झांसा देने वाला था और इसीलिए उसने सही समय की प्रतीक्षा की। और जब जॉनी सोया हुआ था और अपने सपनों में खोया हुआ था, तब ब्लैक हार्ट ने उसके सामने रॉक्सन को रख दिया ताकि जॉनी सब कुछ भूल जाए और रॉक्सन के साथ ही खोया रहे। और तब ब्लैक हार्ट ने अपनी नई चाल खेली और वो रॉक्सन के जरिए बोलने लगा। तभी रॉक्सन जॉनी से पूछती है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, जिस पर जॉनी रॉक्सन से कहता है कि सब कुछ। और तब रॉक्सन जॉनी से कहती है कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हें चाहती हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ तुम चाहिए ना कि घोस्ट राइडर। यह सुनते ही जॉनी रॉक्सन से कहता है कि तुम्हारे लिए मैं घोस्ट राइडर का त्याग करता हूँ, जिस पर रॉक्सन कहती है कि अगर ऐसा है तो उसे मुझे दे दो और अपनी आत्मा मुझे बेच दो, जिस पर जॉनी मान जाता है। तभी रॉक्सन जॉनी के गले पर काट लेती है और तब जॉनी देखता है कि रॉक्सन अचानक से बदलकर भयानक से रूप ले लेती है। ये देखकर जॉनी डर जाता है। तो वही हम देखते हैं कि घोस्ट राइडर को चेन्स में बांध दिया था। यहाँ जॉनी डर के मारे भागने लगता है, लेकिन तभी ब्लैक हार्ट का हाथ बाहर आता है और जॉनी को अपने साथ खींच कर ले जाता है। यहाँ जॉनी को होश आता है और वो देखता है कि एजेंट वॉरर ने उसे बांध के रखा था। तभी जॉनी एजेंट वॉरर से पूछता है कि मैं कितने समय से बेहोश था, जिस पर एजेंट वॉरर जॉनी से कहती है कि तुम 2 दिन तक बेहोश थे, जिस पर जॉनी एजेंट वॉरर से पूछता है कि क्या तुम मुझे ऐसा ही बांध के रखोगी, जिस पर एजेंट वॉरर हाँ कहती है। तभी जॉनी एजेंट वॉरर से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, जिस पर एजेंट वॉरर जॉनी से कहती है कि मेरा नाम है एजेंट तानिया वॉरर और मैं एक पार्टनर की खोज में हूँ। ये कहते ही एजेंट वॉरर जॉनी के हैंडकफ खोल देती है। तभी जॉनी एजेंट वॉरर से कहता है कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि मैं अच्छा पार्टनर बनूंगा, जिस पर एजेंट वॉरर कहती है कि मैं भी प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ। तभी जॉनी मिरर में घोस्ट राइडर को देखता है और कहता है कि मैं बहुत बुरे काम करता हूँ और कुछ ऐसी चीजें करता हूँ जो मेरे कंट्रोल के बाहर होती है, जिस पर एजेंट वॉरर कहती है कि यहाँ तुम अकेले नहीं हो जो अंधकार से घिरे हुए हो, मेरे अंदर भी अंधकार भरा हुआ है। लेकिन तभी मिरर में जॉनी दिखने लगता है। ये देखकर जॉनी शावर लेने जाता है और एजेंट वॉरर वहाँ खड़े रहकर सारे न्यूज आर्टिकल्स देखने लगती है जिसमें किसी ना किसी की हत्या के बारे में बताया गया था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम हेल बैकबोन रैली देखते हैं, जहाँ पर ब्लैक हार्ट ने सारे बुरे लोग और मॉन्स्टर्स को इकट्ठा किया था। और तब ब्लैक हार्ट कहता है कि मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है और तुम यहाँ आ गए, तुमने अगर फिनिश लाइन पूरी कर ली होती तो तुम्हें डेविल से बात करने का मौका मिलता, लेकिन रेस अब भी चालू है। भले ही मैं हल्का की हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं अब भी राख और धुएं को इस दुनिया में ला सकता हूँ। भले ही मेरे पास घोस्ट राइडर ना हो, लेकिन मेरे पास उसकी परचाई है। और तब वहाँ वही मॉन्स्टर आ जाता है जिसे स्टार्टिंग में देखा था, और वो मॉन्स्टर आके ब्लैक हार्ट के पास खड़ा हो जाता है। और तब ब्लैक हार्ट कहता है कि चलो अब अपना काम शुरू करते हैं और इस देश को अंधेरे में बदल देते हैं। और इसी के साथ यह इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।